नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिरेकुलस टच में। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है और इसका असर सीधा आपकी सेहत पर पड़ता है और इस कारण न जाने आप कौन कौन सी ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। और आज भी हम एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ डॉक्टर जतिन चौधरी जी। डॉक्टर जतिन चौधरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में शायद आधे व्यूअर्स तो जानते भी नहीं होंगे कि ऐसी कोई बीमारी भी होती है, और वो बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या? देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, जो डिस्ट्रॉफी का अर्थ होता है मेडिकल लैंग्वेज में, वो ये होता है किसी भी, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमने यहाँ यूज़ किया, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है जो मसल्स हैं उनका डिस्ट्रॉय हो जाना और उनका नॉन एक्टिव हो जाना है। सो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल्स होते हैं हमारे, मसल सेल्स डेड होते जाते हैं, जिस वजह से मसल्स जो हैं प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। सो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ये बेसिकली पांच टाइप का मेनली होता है। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं उनको कुछ ऑक्सीजन और एंजाइम्स होते हैं बॉडी में कुछ पर्टिकुलर मात्रा में चाहिए, जिससे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहें। जब ये मसल्स को ऑक्सीजन और एंजाइम्स जो हैं प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलते, जो हमारे मसल्स हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, तो ये मसल्स धीरे धीरे डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ बेसिक सिम्टम्स क्या हैं जिससे पेशेंट को पता लग सके कि शायद उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? इसके सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो पेशेंट हैं उनको, उनकी जो लेग्स हैं, लेग्स में और बैक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगेगा, खड़े होने में, चलने में एकदम चलते हुए गिर जाएंगे या एकदम बैठ जाएंगे, और जब चेयर से खड़े होने लगेंगे उनसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा प्रॉपरली काफ़ी, और धीरे धीरे, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो ये धीरे धीरे लेग्स के बाद स्पाइन और ऐसे फिर अपने जो उनके पेशेंट के आर्म्स हैं या फिर जो और ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, इन पे असर करते हैं, जिसमें बाद में ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, अगर ऐसा किसी को लगता है तो डॉक्टर के पास जाएं और फिजिशियन से ज़रूर चेक करवाएं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जी, और डॉक्टर साहब, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? कॉजेज बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हैं, इडियोपैथियाँ, आज तक ये साइंस इस पर रिसर्च कर रही है कॉजेज क्या हैं, बट जो मेन इसका एक कॉज है वो हेरिडिट्री ही है, जन्म से ही ये होता है, या फिर ये 35 से 50 साल के बीच में होता है, बट इसका आज तक कोई कॉज मिला नहीं है मेडिकल साइंस में कि इसका, इसके पीछे क्या कोई मेजर वजह है जिस वजह से ये होता है। सिर्फ एक वजह ही पाई गई है कि हेरिडिट्री, किसी की फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी फैमिली में अगर उसके पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, किसी ब्लड रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे में, पैदा हुए बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी, तो क्या 50 के बाद इस बीमारी का जो मतलब होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं या नहीं होती? 50 के बाद, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर एंजाइम्स या ऑक्सीजन ना मिले, उस वजह से वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं हमारे जो मसल्स हैं, अगर वो 50 के बाद ना हो तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, पर इनकी संभावना आउट ऑफ 100 से 99% नहीं है, सिर्फ 1% ऐसा चांस होता है कि आफ्टर 50 ये प्रॉब्लम हो। जी, तो डॉक्टर साहब, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के डायग्नोसिस क्या क्या होंगे? इसके लिए अगर किसी को लगता है कि उसकी लेग्स में, किसी पेशेंट की लेग्स में वीकनेस है या फिर बैक में वीकनेस है, या वो चलने में असमर्थ हो रहा है, प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, उठ बैठ नहीं पा रहा, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, और फिजिशियन इनमें कुछ टेस्ट बताएंगे, जैसा कि CP के एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो इसमें करवाएं आप। CP के बाद आता है EMG एंड NCV, नर्व कंडक्शन टेस्ट, और एक इसमें सबसे मेजर जो टेस्ट है इसको 100% कंफर्म करने का, वो है मसल बायोप्सी। इसमें हम मसल का, जो हॉस्पिटल में मसल बायोप्सी के लिए पेशेंट जाएंगे, उनका एक मसल का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको चेक करके वो बता देते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी से निजात कैसे पाया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? देखिए, इसके जो ट्रीटमेंट हैं काफ़ी
इसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जिससे प्रॉब्लम क्योर हुआ हो, लेकिन सिम्टोमेटिकली जैसे मैंने बताया कि आप पेशेंट जो चलना बंद हो गए आप उनको चला सकते हैं, और अगर वो थ्रू आउट लाइफ कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज हैं वो फॉलो करते रहते हैं तो उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादा तंग नहीं करता। और कुछ एक केसेस में ऐसा देखा गया जिनका CPK बिल्कुल ठीक हो गया, EMG नर्व कंडक्शन बिल्कुल ठीक आ गया, और जो बायोप्सी है वो तक ठीक आ गया, प्रॉब्लम क्योर भी हो गया। पर ऐसा कोई बहुत जो समझ लीजिए किसी बहुत कोई हार्ड वर्किंग हो या बहुत लकी हो उसी के साथ होता है, और आउट ऑफ 10 ये किसी एक या दो पेशेंट के साथ ऐसा होता है। बाकी सिम्टोमेटिकली इसमें हम काफ़ी रिलीव कर सकते हैं पेशेंट को जिससे डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है या उसमें ये सिम्टम्स हैं, तो क्या उसे कुछ अपनी डाइट पर ध्यान देने की देखिए ज़रूरत इसमें है? जो मेन डाइट है जो घर में आप ले सकते हैं वो है सीरियल्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन लें और व्हीट जम राइस ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। और डाइट में अपना आप विटामिन ए, ई, बी1, बी12 और मल्टी विटामिन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, और प्रोटीन डाइट लें क्योंकि प्रोटीन हम सब बचपन में पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं जो प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता जी है। तो इसमें आप प्रोटीन डाइट जैसे दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, नॉन वेज हो गया, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। लेकिन ऑलमोस्ट मतलब डॉक्टर कभी कहते हैं कि नॉनवेज जो है वो नहीं खाना चाहिए, आजकल हेल्दी नहीं होता है, तो क्या ऐसे में नॉनवेज लेना सही रहेगा? देखिए इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप आजकल मार्केट में फ्रोज़न चिकन जो है काफ़ी अवेलेबल है, आप वो लेके उसको घर में बॉईल करके अच्छी तरह उसको वॉश करके फिर बॉईल करके बॉईल चिकन खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से ज़रूर कोई किसी रेस्टोरेंट से ख़रीदना, आप जो फ्रोज़न चिकन शॉप होते हैं वहाँ से कोई चिकन लेके उसको वॉश करके और बॉईल करके आप लीजिए। क्या फिजियोथेरेपी के द्वारा भी इस बीमारी से निजात पाया जा सकता देखिए है? इसमें काफ़ी रोल है फिजियोथेरेपी का, एक्वा पंचर का, एक्वा प्रेशर का और 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का। इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। जो अगर मैं एक एक का बात करूं तो जो फिजियोथेरेपी, अगर हम फिजियोथेरेपी के थ्रू इस प्रॉब्लम में किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो फिजियोथेरेपी से हम ये हेल्प ले सकते हैं कि जैसा मैंने बताया ये मसल रिलेटेड डिजीज़ है, और फिजियोथेरेपी में हम कुछ मसल्स के एक्सरसाइजेस करा के उन मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और एक्टिव रख सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं होता और प्रॉब्लम जो है बेटर होता जाता है। सेकेंडली इसमें हम फिजियोथेरेपी से ही हेल्प कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन जब लैक कर जाती है मसल्स में तो ये प्रॉब्लम होता है। तो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया या और भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, डायफ्रामेट्रिक ब्रीदिंग जैसे हो गई, एक फिजियोथेरेपी में कॉमन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप ये सीख के अगर ये आप करते हैं तो आपकी बॉडी के एक एक मसल में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इसमें से प्रॉब्लम से निजात पाने में। और इसमें काफ़ी मेजर रोल है एक्वा पंचर का। एक्वा पंचर थेरेपी में हमने देखा है कि जो मसल्स हैं अगर हम प्रॉपर पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक्वापंचर में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, और अगर जिसको भी ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन पता हो पॉइंट्स का कि CP के आपने कैसे नॉर्मल करना है या मसल्स कैसे ठीक करने हैं या नर्व्स कैसे ठीक करने हैं तो वो एक्वापंचर से इसको बड़े आराम से कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो किसी ऐसे सेंटर में जाए जहाँ प्रॉपर क्वालिफाइड एक्वापंचरिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, 5 इलेक्ट्रिक रेज, मैग्नेटिक रेज हों, प्लस एक्वा प्रेशर आता हो, ये वहाँ पे जाएँ जहाँ ये सब थेरेपी अवेलेबल हो, डॉक्टर्स जो हों क्वालिफाइड हों। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसको पूरी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से छुटकारा मिल गया है? देखिए कई मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पूरी तरह से क्योर हुआ है, बट सिम्टोमेटिकली सब बेटर हैं। जैसा मैंने बताया कि जो बिल्कुल बेड रिडन थे, चल नहीं पाते थे, वो चलना शुरू हो गया विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, और उनके काफ़ी टेस्ट जो हैं, 3 टेस्ट होते हैं आउट ऑफ 3, जो 2 टेस्ट हैं CPK और EMG NCV बिल्कुल क्लियर हैं। जी सिर्फ हम वेट कर रहे हैं मसल बायोप्सी का, अगर इतना भी हमारा क्लियर आ गया तो इट मीन्स 80% तक, जहाँ तक मेरा मानना है 80% तक वो पेशेंट क्योर हो गया है। जी शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज डॉक्टर साहब ने आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताया। तो अभी तो खैर समय हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे पा रहा है कि हम आगे भी किसी और बीमारी के ऊपर चर्चा करें, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, क्योंकि हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान लेकर। और डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।